But on page number 48, I'd ask you to try sum number 5, sum number 6, okay? But then before we do those sums, 5 and 6, give the heading in your notebook, Law of Multiplication. Law of Multiplication. Now on page number 38 we are given with the law of multiplication. You just underline that definition or the law on page number 38. If A and B are two events in a sample space U, the rule of obtaining the probability of underlying simultaneous occurrence, the simultaneous occurrence of event A, underline the word, and B. अब बेटा जैसा ये वर्ड एंड आया, what does this hint? Okay, we have to find intersection, simultaneous occurrence of the events. It means they are asking us to find what? Intersection. तो तुमने अपने जो नोटबुक में अभी हेडिंग मारा, क्या हेडिंग मारा? उसमें लिखना शुरू करो, under. Under law of multiplication, under law of multiplication, when two events, under law of multiplication, when two events A and B are given, when two events A and B are given, we need to find A intersection B. We need to find A intersection B. Keywords likho, keywords are and, both. बराबर है? अब जरा यहां ध्यान, A intersection B जो मुझे find करना है उसमें ऐसा एक table बनाओ. चलो, so it can be found for dependent events and we can find A intersection B for independent events. A intersection B will be found for dependent events and it would be found for independent events. Now to explain you this dependent and independent events, let me first explain you what are independent events. Let me first explain you what independent events. Okay, अब athletes का अगर हम example लें, athletes, can I say race track पर अगर दौड़ रहे हैं, starting line पर अगर वो दौड़ रहे हैं, से ये सात athletes हैं. अब आरुषि अगर वो दौड़ रही है उस रेस में, तो उसका जीतना इन छह पर डिपेंडेंट है? हां के ना? इफ आरुषि इज रनिंग और उसका रेस जीतने का चांस इन छह लोगों पर डिपेंडेंट है? नहीं. कहना से आरुषि ऐसा बोलेगी, ए आवक ने मने जीतवा दो ना प्लीज, नेक्स्ट रेस में तो मैं जीती जाता यार, मने अपना आज जीती लेवा दो. Will she try to convince them so that they lose and she wins? It doesn't happen like that. So, athlete running a race or winning a race is all dependent on himself. Independent है वो. अकेला दौड़ रहा है, अकेला ही जीतेगा. अरे हाँ के ना? हाँ के ना? जबकि क्रिकेट की इवेंट जो है, क्रिकेट की इवेंट, it's a dependent event. विराट कोहली ना अकेला बैटिंग करेगा, ना अकेला बॉलिंग करेगा, ना अकेला फील्डिंग कर सकता है ना. ही हैज टू डिपेंड ऑन हिज टीम मेंबर्स फॉर विनिंग अ मैच. सो दैट इवेंट बिकम अ डिपेंडेंट इवेंट. मतलब सर प्रोबेबिलिटी में इसका क्या मतलब है?
प्रोबेबिलिटी में इसका मतलब क्या है कि कोई भी इवेंट का जो अकरेंस है, या तो कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट के आने के जो चांस है, वो किसी दूसरी इवेंट पर डिपेंड नहीं करते। जैसे आरुषि का जीतना उसी पर डिपेंड कर रहा है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। दूसरा एग्जांपल, क्या से मार्च में हमारी बोर्ड एग्जाम आने वाली है? सर्टन इवेंट, बोर्ड एग्जाम आना, उसमें तुम्हारा पास होना इम्पॉसिबल ही है। अब मान लो सौम्या का अगर सेंटर आ रहा है यहां रोजरी स्कूल में, सौम्या का सेंटर किधर आ रहा है? रोजरी स्कूल में। और जैमिनी का सेंटर ये उनके कॉन्वेंट स्कूल में ही आ रहा है। अब इसका बोर्ड एग्जाम में सौम्या का पास होना बोर्ड एग्जाम पे क्या जैमिनी पर डिपेंड कर रहा है? क्यों? क्या से दोनों के सेंटर ही, दोनों के सेंटर ही अलग अलग थे, तो उनका बोर्ड एग्जाम में पास होना इट्स इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। श्योर? सो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी के अक्रेंस होने के चांस किसी दूसरी की इवेंट पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। श्योर? नो, कहने से जब बारिश आती है तो कुछ गर्म खाने की इच्छा होती है, तो इज इट इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। लेकिन बारिश होना इंडिपेंडेंट है। तुम कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी जाप कर लो, बारिश अगर आनी है तो आएगी। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। बट बारिश आने के बाद सेव सर चा भजिया देवलार डिपेंडेंट इवेंट्स। श्योर? तो उसमें फॉर्मूला लिखो। चलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। एंड अगर वो तीन इवेंट्स होंगे तो पा पीबी पीसी। P of A, P of B and P of C. Okay. Now if events are dependent events, can I say last lecture we saw conditional probability? Yes. And can I say conditional probability itself is a dependent event? Yes. अरे हाँ के ना, उसमें हम find क्या करते थे? ऐसा बोलते थे ना कि अगर पहली लड़की, पहला child girl है तो दूसरा भी girl ढूंढो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके अकरेंस पर डिपेंड कर रही थी। बेटा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम ए बाई बी उसमें जो फाइंड करते थे, उसमें होता क्या था कि हमको प्रोबेबिलिटी ए फाइंड करनी है जब बी ऑलरेडी अकर हो चुकी है, और वो बी जब ऑलरेडी अकर हो चुकी है इसीलिए तो वो ए को अफेक्ट कर रही है। इसलिए याद करो मैंने सिखाया था कंडीशनल के वजह से प्रोबेबिलिटी आइदर इट विल और इट वुड। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? सो वो सारे क्या थे? डिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा सर आप मुझे याद कराओ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या था? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब तुम स्कॉलर बैच हो, मुझे ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है, तो इसमें कैसे ढूंढू? यहां से क्रॉस पर डिप्लाई ना, इसको बेटा लेके जाओ जम्मू कश्मीर में। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए बाय बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या तो हमने कंडीशनल में एक और भी देखा था ना, बा ओ बा दैट वाज पी ऑफ ए। नाउ हाउ डू आई गेट ए इंटरसेक्शन बी? से बा इंटू बा, इट्स बा इंटू कर डालो। डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
Now, keeping this point in mind, shall we start the Psalms? Shall we start the Psalms? अरे बोलो ना यार. Let's go on to Psalm number 5. Let's go on to Psalm number 5. Start reading it. P of A is 2 by 3. P of B is 3 by 5. P of B by A is 3 by 4. For any two events in the sample space of the experiment, find A by B. बेटा P of A क्या दिया है 2 by P of B क्या दिया है 3 by बेटा what's bar बेटा what are we supposed to find A by B now बेटा raise your hand what's the formula for A by B what's the formula for A by B बेटा A by B का फॉर्मूला क्या आएगा गाथर? A intersection B upon P of B. P of A intersection B upon P of B. जरा चेक करो क्या मेरे पास P of B है? Yes. क्या मेरे पास A intersection B है? No. कैसे ढूंढूं? A intersection B कैसे ढूंढूं? देखो B by A का फॉर्मूला दिया है. So probability of B by A is what? A intersection B upon probability of A. अभी सीखा क्रॉस मल्टीप्लाई उधर ही है देखो ना बोर्ड पर ही है तो इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो B by A कितना है 3 by 4 is P of A intersection B upon what is P of A 2 by 3 क्रॉस द मल्टीप्लाई therefore A intersection B is equal to 3 by 4 into 2 by 3 तो 3 3 cut so 2 by 4 is 1 by 2 बराबर and now you put this 1 by 2 can I write 1 by 2 divide by P of B क्या है 3 by 5 1 by 2 divide by 3 by 5 so that is equal to 1 by 2 अब यहां पर जरा ध्यान जादू है बेटा जादू सो अल्टीमेटली आंसर विल बी 5 बाय 6 बेटा डिवीजन में था उल्टा कर दिया बाय पुटिंग व्हाट एंड देन द लाइफ बिकम्स इजी आराम से फिर वो सिंपलीफाई हो जा रहा है डू यू गेट दैट प्लीज कॉपी बेटा हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू दिस ऑन योर ओन ट्राइंग एट होम Yeah, that was easy. But then now this formula of law of multiplication also adds to that. Sure. Let's start with the next one. Sixth one, zara dekho. Sixth one. Probability kya diya hua hai? What's given? Probability of M is equal to probability of F. That is equal to... 1 by 2 probability of A by M is equal to how much given A by M 1 by 10 1 by 10 पची क्या दिया है probability of A by F वो कितना दिया है कितना दिया है 1 by 2 A by F is 1 by 2 बराबर what are we supposed to find बेटा व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन एम एंड ए इंटरसेक्शन एफ कैन आई से बेटा ये दोनों चीजें ढूंढनी है मेरे को अच्छा इसमें ऐसा लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू हाफ एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू हाफ अरे बोलो ना यार सो कैन आई राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एम का फॉर्मूला क्या लगेगा A intersection M upon probability of M. So therefore A intersection M is equal to A by M into So beta what is A by M? 1
1/10 into 1/2, that's 1/20. उसी तरह से वहां पर वो फॉर्मूला लगा के आंसर लेके आओ, चलो मैं नहीं कर रहा, ए इंटरसेक्शन एफ खुद से फाइंड करेंगे, चलो ए इंटरसेक्शन एफ ट्राई टू फाइंड इट आउट ऑन योर ओन, कम ऑन. बेटा एनी जाबाज ट्राइड दिस सम, बहुत बढ़िया, 1/4 इज द राइट आंसर, या 1/4 इज द राइट आंसर. डंस, अरे बेटा डंस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, दैट इज विल ब्रेक द लिंक, हाँ विल ब्रेक द लिंक, वी आर गोइंग ऑन टू द लास्ट लास्ट वाले सम्स, बीच वाले सम अभी पेंडिंग रख रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन टू लास्ट लास्ट वाला सम्स. देखो तो जरा लास्ट लास्ट वाला सम कौन सा है, लास्ट लास्ट वाला सम अपना कौन सा है, जरा चेक करो, ऑल ऑफ यू चेक करो. वी आर स्टार्टिंग विद सम नंबर 11, कम ऑन लेट्स स्टार्ट 11. If two balanced dice are thrown, sir, this is like my level sum. If two balanced dice are thrown, मुझे इसका U ढूंढना आता है. उसके बाद वाली इवेंट्स का मुझे पता नहीं, लेकिन ये इसका U आ जाता है मेरे को. कितना आएगा if two balanced dice are thrown? Let's write. Let's write. U is equal to कैसे लिखे? 1/1, 1/2, dot dot. So n is equal to 36. N is equal to 36. उसके बाद हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जरा चेक करो. एटलीस्ट वन डाइस विल शो नंबर, लिखना शुरू करेंगे. लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट that at least one dice will show number 5, at least one dice will show number 5. Now but I use your brains, one ki series mein aisa kabhi ho sakta hai, one ki series mein 1 5, very good, yes 1 5. देखो एक डाई पर 5 नंबर आ गया, एटलीस्ट एक पर 5 चाहिए. 2 की सीरीज में 2 5, सो इट्स 2 5. 3 की सीरीज में 4 की सीरीज में 5 की सीरीज में, मर जाओ सालो सारे, 5 की सीरीज में तो सारे आएंगे ना, 5 1 5 2 सर चैप्टर जॉइन इफ आई डू. अरे हाँ के ना, फाइव में तो सारे आएंगे ना, एटलीस्ट एक डाई पर 5 चाहिए, तो 5 5 भी ले लेने का, दोनों पर 5 दिखा रहे तो अपने को क्या बनता है, दिखाओ. अरे 6 की सीरीज में बहुत बढ़िया, थोड़ा ना फेवरेबल आउटकम्स 11. सो बेटा पा पा 11/36. Pi is 11/36. बेटा इवेंट बी यू गिव अ ट्राई? नेवर सर नेवर. क्या है, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिख रहा है इलेवेंथ में? द फर्स्ट डाई विल शो 5 or 6. द फर्स्ट डाई विल शो 5 or 6 एंड द सेकेंड डाई विल शो even number. लिखो लिखो लिखो. Let B be the event. Let B be the event that the first die. Let B be the event that the first die will show 5 or 6. And second die will show
even number. Now, मतलब पहले डाई पर फाई आना चाहिए, पहले डाई पर. तो क्या मैं से फाई की सीरीज से सीधा शुरू करेंगे हम, क्योंकि 1 5 1 2 1 3 तो उसमें पहले वाले पे 1 आ रहा है, ऐसा ना चले. अपने को पहले डाई पर क्या चाहिए, 5, और दूसरे पे इवन नंबर. तो पहला क्या आएगा, 5 2, बहुत बढ़िया. पची 5, बहुत बढ़िया. 5 6, या तो अभी दूसरे डाई पर पहले डाई पर 6 चाहिए ना, दूसरे पे इवन. 6 2 6 3 6 4 आएगा. क्या कर रहे हो, मैं तो देख रहा था तुम जाग रहे हो कि नहीं. तो बेटा टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 6. बेटा क्या डिस्कशन है, क्या तकलीफ है, जरा मेरे साथ शेयर करो भाई. किसको क्या तकलीफ आ रही है भाई, पहले डाई पर 5 चाहिए, पहला डाई पर, एटले 5 का तो 6 पहला हो जो ये, and the second number will be even number. So even number are 2 4 6. क्या चाहिए, ये 1/6 आएगा. मुझे पता है कौन ऐसा होशियार, लिख ले बेटा, लिख ले 1/6 लिख ले, वांदा नहीं बेटा. 11th वाले सम में कोई डाउट, 11th वाले सम में कोई डाउट, गो टू द 12th वन. अब इसमें मजा आने वाला है, 12th वाले में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हमको सम 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, समझ ही नहीं आएगा ढूंढना क्या है. और तुक्का भी मारोगे और फिर मैं पूछूंगा समझाओ, तो समझाना भी नहीं आएगा. पढ़ो 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 सम पढ़ो. अ प्रॉब्लम सम ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ लिखा है, is given to Tanya Kathan and Kirti. The probabilities of them solving the problem is 2/3, 3/4 and 1/. अब देखो तानिया को अगर problem solve करने के लिए दिया तो the probability is 2/3, मतलब उसको मैं 3 sum करने के लिए देता हूं तो 2 बार वो solve करके लेके आ जाती है. Interpretation. Then Kathan 4 सम देते हैं तो 3 बार वो सॉल्व करके, अनकीर्ति 2 में से 1 बार वो सॉल्व कर लेता है, राइट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्वड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्वड करेक्टली. वापस पढ़ो, मेरी तरफ मत देखो, मुझे बताओ ढूंढना क्या है. What are we supposed to find? सर 2 बार पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार पढ़ लिया है. तीसरी बार बड़े फ्रेंड के साथ भी पढ़ लिया है, वो बाजू वाले को भी समझ नहीं आ रहा है. चौथी बार सर अभी पीछे वाले से भी बात कर ली है, तने आवड़ी तने आवड़ी मरे नहीं आवड़ती जो. चलो बेटा उसको सस्पेंस रखते हैं, लिखना शुरू करो, सस्पेंस रखते हैं, ढूंढना क्या है. लिखो, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट. बड़ा किसने प्रॉब्लम सॉल्व किया पहला, तानिया. लेट ए बी द इवेंट दैट तानिया सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली. तानिया सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली. तो बेटा व्हाट्स माय पी ऑफ ए, 2/3. उसी तरह से बेटा इंग्लिश में टैलेंट बताओ, तुम ऐसा अभी लिख पाओगे खुद से इंग्लिश में अलाइन, लेट बी बी द इवेंट दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय हूम, कठान.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4. हूज नेक्स्ट? कीर्ति 1/2. What do I want? I want the problem is solved. I want problem is to be solved. Raise your hand. Come on. What are we supposed to find? Problem is solved. Sir, our problem is very complicated. It just cannot be solved. Mukta. Union. Union. मतलब कौन सा union? A union, B union, C. क्यों? क्योंकि तीनों में से किसी एक को problem solve ही करना है, इसलिए जो problem solve correctly, मतलब तीनों में से कोई एक तो problem solve ही करेगा, इसलिए at least. और अच्छी तरह से? और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन 80% जितना सही है. प्रॉब्लम दैट अमंग द ऑल थ्री द प्रॉब्लम इज सॉल्वड बाय एनीवन एटलीस्ट वन दैट तानिया कैन सॉल्व और आई एम लुकिंग फॉर दिस वर्ड तानिया कैन सॉल्व और कथन विल सॉल्व. देखो ना मेरी तरफ क्या देख रहे हो. कमल विल सॉल्व. See the words. So what she interpreted is absolutely right. Now pay attention. अभी मैंने देखो तुम्हें एक sum try करने के लिए दिया. Just in front of me, I gave you a sum to try. अब कह रहा है से तुम वो sum independently देखो सोच रहे थे कि solve कैसे करना है. कि तुमने बाजू वाले से पूछ परछ करी. नहीं, we tried to solve that independently. मतलब what is the point I want to convey is When I give some to, they would be solving the sum independently. तीनों साथ में बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे हैं एक सम को. तीनों इंडिपेंडेंटली सम सॉल्व कर रहे हैं. और जब मैंने उनको सम करने के लिए दिया तब तानिया आके बोली सर हो गया. I have completed the sum. तो क्या ऐसे मेरे लिए that problem is solved? Or can I say Kathan can come to me and say sir I have solved the problem. So for me the problem is solved. Yes. Or Kirti beta sar utha ke aa raha hai. Beta ye kisne kaha ki ladki hai Kirti. Ladka kyun nahi ho sakta hai. Ek cricketer ka naam hai Kirti Azad. क्रिकेटर मेल क्रिकेटर. अपग्रेड योर नॉलेज मैन अपग्रेड योर नॉलेज. सो कीर्ति सर उठा के आ रहा है कि भाई सर द प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो फॉर मी द प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो करा किसने सॉल्व? तानिया और लिखना शुरू करो. Probability that the problem is solved indicates the problem is solved by Tanya or Kathan और कीर्ति. सो मुझे ढूंढना क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी. एनीबडी हु रिमेंबर्स द फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी का.
हाँ p of a plus p of b plus p of c minus intersection b okay minus a intersection c okay minus b intersection c okay plus p probability of a intersection b plus plus probability of a intersection c अब देखो ये इतनी सारी चीजें करनी है काम बांट लेते हैं मैं तुम्हें ए बी सी दे देता हूं तुम मुझे यह चार ढूंढ दे दो कर पाओगे नहीं समझो समझो व्हाइल एक्सप्लेनिंग द सम आई गेव यू वन हिंट के दिस थ्री आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली सो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है मेरे को तो कैसे मिलेगा P of A into P of A intersection C अगर करना है तो P of A into P of C और अगर ये तीनों कर रहे हैं तो A B and who you are probability of C sure let's find it together P of A intersection B It's P of A into P of B. That's 2 by 3 into 3 by 4. But don't try to reduce the value or try to show your talent. Multiply as it is. 6 by 12. Keep it 6 by 12. But uska bhi thriller suspense hum kholenge. Tum tension na lo. But P of A into P of C. 2 by 3 into 1 by 2. So 2 by 6 beta b intersection c p of b is 3 by 4 into 1 by 2 that's 3 by 8 a intersection b intersection c so 2 by 3 plus plus kya the multiplies क्या से तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 2 3 जा 6 3 4 जा 12 12 2 जा 24 नाउ बेटा आई वांट वन थिंग वेरी ऑनेस्टली नाउ लेट मी राइट द थिंग्स यू बी ऑन द बोर्ड कम ऑन 2 by 3 is P of A. This will be 3 by 4 plus 1 by 2 minus 6 by 12, 2 by 6, 3 by 8 plus 6 by 24. कैसे तुमने अपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के करियर में कभी इतना LCM वाला प्लस माइनस करा है? अभी करना पड़ रहा है. Very good, you are honest. मुझे हेल्प करो. कैसे साला इतना सब प्लस माइनस करूं क्या से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ये बात पक्की है अब देखो मैथ्स में अपने कैसे हैं बेटा इन मैथ्स यू आर लाइक अ थंब इंप्रेशन दैट्स अ थंब इंप्रेशन यहां समझो बेटा माय सोल रीजन ऑफ यू मेकिंग देयर नॉट टू रिड्यूस द वैल्यू वाज द सोल रीजन हमने सारी वैल्यूज लिख ली सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है 24. वो मेरा एलसीएम yes. क्या yes. समझ में कुछ आ रहा है यस yes. yes, हमको कुछ समझना नहीं है इसलिए तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24. वो मेरा एलसीएम कुछ सोचने का नहीं उसमें ज्यादा वहां तुम वैल्यू कम करते या तो कुछ ये डिलीशन करते तो यहां तकलीफ आना शुरू होती अब वो तकलीफ को एलिमिनेट करने के लिए हमने करा क्या जो जैसा था उसको अरे 25000 एक साथ लाइन वाला क्यों छे तो जे सौती मोटो नंबर ए मारो ले डालो एलसीएम 24 एलसीएम इज 24
नंबर टेल्स मी वन थिंग्स टेल्स मी बड़ा थ्री के टेबल में 24 कब आवे थ्री एट सा सो उस एट को ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने का टू के साथ 16 फोर ने टेबल में 24 सिक्स सो सिक्स थ्री सा टू ना टेबल में 12 12 ना टेबल में तो सिक्स टू सा 12 सिक्स के टेबल में 4 तो 4 टू सा 8 ना टेबल में तो 3 3 सा और 24 के टेबल में इट्स वंस तो बेटा सबको ऐड लेस करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 23 by 24 बड़ा पता चला शाबाश शाबाश बड़ा सम नंबर 15 मार्क करो अपना होमवर्क अब बड़ा 15 वाला देखो कितना अच्छा सम है उन्होंने ए बी सी तीनों दे दी प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में ऐसा लिख भी दिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और इंग्लिश में लिख के दे दिया फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी केटलो सारो करी मुझे आमाओ की दो और तो पंचाल से सॉल्व करता हूं आपसे हमें होमवर्क द लास्ट सम फॉर टुडे स्टार्ट रीडिंग द 13th वाला सम कम ऑन 13th वाला Person A can hit the target in 3 out of 5 attempts. बोले तो क्या से if the person A is with the gun and if is hitting the target, so 5 में से 3 बार वो target वो hit, तो क्या से वो उसकी probability दी है 3 by 5? Yes. Out of 5 attempts, if he can shoot at 3, तो it's 3 by 5. पर्सन बी क्या कर रहा है जरा चेक करो 5 by 6 अब बड़ा इंग्लिश में एक शब्द अभी मजा आने वाली है इफ बोथ ऑफ देम अटेम्प्ट साइमल्टेनियसली એટલે साइमल्टेनियसली बोले तो एक के बाद एक मतलब जब ए शूट कर रहा है तब बी आराम कर रहा है और जब बी शूट कर रहा है तब ए तो कैन आई से इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेटा दोनों साथ में शूट कर रहे हैं नहीं दे आर शूटिंग साइमल्टेनियसली मतलब दे आर शूटिंग इंडिपेंडेंटली आगे वाचो फाइंड शू करवानो छे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट Raise your hand. What are we supposed to find? The target is hit. Chabir bhai. A union B. क्यों बेटा? सर या तो A करके या तो B करके. बहुत बढ़िया इसके जैसा ही वाला था ना? If the problem is solved, तो हमने अभी discuss करा ना तानिया और तो उसी तरह से यहाँ पर भी target को अगर hit करना है, तो A ने अगर hit कर दिया, तो I can say the target is hit. Or B ne agar kar diya to that ke time also I can say the target is likhna shuru karo chalo saath mein likhte hain likhna shuru karo let A be the event let A be the event that person A let A be the event that person A hits the target तो बेटा व्हाट्स पा 3 by 5 लेट बी बी द इवेंट लेट बी बी द इवेंट दैट पर्सन बी हिट्स द टारगेट दैट पर्सन बी हिट्स द टारगेट सो पी ऑफ बी 5 by 6 probability
of probability of both of them hitting the target simultaneously. Probability that both of them hitting the target simultaneously is beta P of A intersection B is P of A intersection B. And how do I find that? P of A into P of B. P of A into P of B. But what's my P of A? 3 by 5. P of B? 5 by 6. 5 by 6. 15 by? 30. 30. 15 by 30. But reduce kar do isko yaar. Reduce kar do. 1 by? 2. Nahin, aise rakho. 15 by 30 rakho. Don't reduce. Keep it as 15 by 30. Keep it as 15 by 30. And aap likho. Probability that the target is hit. Probability that the target is hit indicates that it is hit by person A or person B. तो बेटा A union B find कर लो. चलो P of A union B is equal to P of A plus P of B minus A intersection B. तो बेटा what's my P of A? 3 by 5 plus 5 by 6 minus 15 by 30. तो बेटा तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 30. Take that LCM. Beta, is the sum done? Yes. Mark your homework. Beta, mark your homework. Illustration 27, 28 and 29. Vincent, one kar de.